नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे हर दिल अजीज आलू बैंगन की सब्जी बहुत इजी रेसिपी के साथ। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमको सामग्री कितनी चाहिए। तो ये मैंने लिया है 250 ग्राम बैंगन, 300 ग्राम आलू और 2 मीडियम टमाटर लिए हैं मैंने। और इसको तड़के के लिए मैंने लिया है मेथी के दाने कुछ, और सरसों के तेल, और थोड़ी सी हल्दी आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और स्वाद के अनुसार नमक, और एक चम्मच कटा हुआ लहसुन लिया है मैंने, और एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्च ली है, और एक इंच अदरक का टुकड़ा मैंने घस लिया है, और कुछ हरे धनिया की पत्तियां ली हैं मैंने। तो अब हम शुरू करते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल मैंने लिया है इसमें, और इसे हम फुल फ्लेम पे गरम करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे मेथी के कुछ दाने। आलू बैंगन की सब्ज़ी में मेथी के तड़के बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसको बहुत ही टेस्टी बना देते हैं ये। और अब इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए लहसुन और हरी मिर्च। मेथी के दाने चटक गए हैं अच्छी तरह से, और लहसुन और मिर्च हम हल्का सा भुनेंगे इसमें, और अब अदरक का घिसा हुआ ये टुकड़ा हम डाल देंगे इसमें। लहसुन हल्का गुलाबी हो जाए तब तक इसे हम भुनेंगे। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और हल्का सा भुन गया है लहसुन और हरी मिर्च और अदरक। और अब इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए आलू। और आलू को हम 5 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक भुनेंगे। तो आलू थोड़े ब्राउन हो चुके हैं और अब इसमें हम बैंगन डालेंगे और टमाटर भी डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो हरी मिर्च डाले हैं तो आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और क्योंकि ये चटपटे बहुत अच्छे लगते हैं तो थोड़ी मिर्च की मात्रा मैंने बढ़ा दी है। और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाला है इसमें, और मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे हम सारे मसालों को, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हम ढक करके पकाएंगे। मैंने आधा कप से कम पानी डाला है इसमें, और इसे अब हल्की आंच पर धीमे तक बैंगन को गलने तक पकाएंगे। तो ये पकती हुई सब्जी 5 मिनट हो चुके हैं, और इसे हम हटा कर लीड और चलाएंगे। बैंगन पानी छोड़ रहा है अपना, और वो अपने ही पानी में गलेगा बैंगन और टमाटर दोनों। और ये बैंगन मैंने डंडी सहित काटी है क्योंकि अब डंडी का एक अलग ही टेस्ट बैंगन की सब्ज़ी में आता है। तो आप इसे हटाएं नहीं, और बहुत ही टेस्टी खाने में लगते हैं ये बैंगन की सब्ज़ी में इसकी डंडियाँ। तो मैं इसी तरह से पका रही हूँ, और ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अभी हम इसको और गलने के लिए ढक करके रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो बैंगन गल चुके हैं अच्छी तरह से, और ये टमाटर भी गल गए हैं, और हम चेक करेंगे कि आलू गले हैं कि नहीं। आलू में भी थोड़ा सा कसर है, तो उसे भी गला के हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि आलू गल गया है या नहीं। तो आलू बैंगन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम हमेशा ही स्लो रखेंगे, स्लो आंच पर ये बहुत ही अच्छी तरह से गलते हैं आलू बैंगन।
और क्योंकि भुन चुके थे आलू हाई फ्लेम पे, तो मैंने स्लो फ्लेम करके इसे पकाया है और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है सब्जी। तो लीजिए, बन गई है आलू बैंगन की सब्जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और ये किसी भी चीज़ के साथ, चाहे पराठा पूड़ी हो या दाल चावल के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगी और अपना अनुभव ज़रूर मुझे बताएंगी कि आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।